हेलो दोस्तों, आज के हम बात करने वाले हैं वीवो Y200 डिवाइस के अंदर आप लॉक स्क्रीन वॉलपेपर ऑटोमेटिक चेंज कैसे करें। दोस्तों, आपने लॉक स्क्रीन का जो वॉलपेपर है उसको ऑटोमेटिक चेंज कैसे करेंगे दोस्तों, इसे कैसे टीम यहां पे आपको बताएंगे। अगर वीडियो चल गए तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, आप अपने फ़ोन को यूज़ करते हैं तो आप अपने फ़ोन की जो लाइट जितनी बार ऑन ऑफ करेंगे उतनी बार जो आपके लॉक स्क्रीन का जो वॉलपेपर है वो चेंज हो जाएगा। आपको काफ़ी अच्छा लगेगा जब आपके लॉक स्क्रीन का जो वॉलपेपर है ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगा। जितनी बार आपने लाइट को ऑन ऑफ करेंगे उतनी बार जो आपका वॉलपेपर है वो चेंज हो जाएगा। वहाँ पे नए नए वॉलपेपर डाउनलोड होके यूज भी होते रहेगा। तो दोस्तों, इस सेटिंग को आप कैसे इनेबल करेंगे, कैसे यूज करेंगे, चलिए अपनी सेटिंग को ओपन करते हैं और वहाँ से आपको बता दें। दोस्तों, उसके लिए आपको अपने सेटिंग को ओपन करना है, तो हम अपने सेटिंग को यहाँ पे ओपन करते हैं। आप देख रहे हो हमारा सेटिंग यहाँ पे ओपन हो जाता है और थोड़ी सी आपको स्क्रॉल करना है, नीचे आना है और यहाँ पे ऑप्शन आपको मिल जाएगा लॉक स्क्रीन एंड वॉलपेपर, तो आपको इस पर क्लिक करना है येलो ऑप्शन पे। और जैसे भी इस पर क्लिक करते हैं यहाँ पे आप देखेंगे बहुत सारे सेटिंग आते हैं और यहाँ पे आप देख रहे हैं वॉलपेपर थीम्स यूआई कलर, यहाँ पे इस तरह के सेटिंग आते हैं और नीचे भी कुछ सेटिंग आपको मिलते हैं। तो नीचे आपको मिलता है लॉक स्क्रीन सेटिंग, तो आपको इस पर क्लिक करना है येलो ऑप्शन पे। और जैसे भी इस पर क्लिक करेंगे यहाँ पे आप देखेंगे बहुत सारे सेटिंग आएंगे और यहाँ पे ऑप्शन आपको मिल जाएगा लॉक स्क्रीन पोस्टर, तो आपको लॉक स्क्रीन पोस्टर पे क्लिक करना है ये वाला ऑप्शन पे। और जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे यहाँ पे आप देखेंगे लॉक स्क्रीन पोस्टर वॉलपेपर, उसके आगे एक छोटा सा बटन है, आपको उसको इनेबल करना है ये वाले बटन को। और जैसे आप इसको इनेबल करेंगे ये इनेबल हो जाएगा और नीचे के जो ऑप्शन यहाँ पे शो हो जाएंगे, आप देखेंगे नीचे के जितने भी सारे ऑप्शन यहाँ पे शो हो जाएंगे। तो हमारे फोन में सारे ऑप्शन यहाँ पे आप देख रहे हैं शो हो रहे हैं। और नीचे आपको मिलता है रोटेट वॉलपेपर, आप अपने लॉक स्क्रीन का जो वॉलपेपर है उसको चेंज करने के लिए आपको ये वाले बटन को इनेबल करना है। आप देख रहे हैं यहाँ पे छोटा सा बटन मिल जाएगा आपको और आपको इसको यहाँ पे इनेबल करना है ये वाले बटन को। जैसे आप इसको इनेबल करेंगे ये इनेबल हो जाएगा और जो आपके लॉक स्क्रीन का वॉलपेपर है वो ऑटोमेटिक चेंज होने लग जाएगा। और आपको ये वाले बटन को इनेबल कर देना है और आपको नीचे आ जाना है, नीचे आपको मिलता है अपडेट रिमाइंडर, तो आपको इसको भी इनेबल करना है। और नीचे आपको उसके नीचे मिल जाता है ऑटो अपडेट वॉलपेपर यूजिंग मोबाइल डाटा, तो आपको इसको भी इनेबल कर लेना है। जब आप नीचे वाले दोनों ऑप्शन को इनेबल कर देंगे आपके फ़ोन में नए नए वॉलपेपर डाउनलोड होके यूज होते रहेंगे। आपको अपने फ़ोन में वॉलपेपर डाउनलोड नहीं करना होगा, ना ही एक ही वॉलपेपर आपको सब दिन अपने फ़ोन में यूज करना होगा। तो आपके फ़ोन में नए नए वॉलपेपर डाउनलोड होके यूज होते रहेंगे और आपको यूज भी नहीं करना होगा और जो आपके लॉक स्क्रीन के वॉलपेपर है वो ऑटोमेटिक चेंज भी होते रहेगा। दोस्तों, इस तरह से आप अपने फ़ोन में लॉक स्क्रीन का जो वॉलपेपर है उसको ऑटोमेटिक चेंज कर सकते हैं। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ चुका होगा किस तरह से आपको अपने फोन में लॉक स्क्रीन का वॉलपेपर ऑटोमेटिक चेंज करना है। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर लें, शेयर कर लें, अगर हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें, हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।